हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश एरा जयपुर पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, एक सेशन है, प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है, जो आपके आरपीएससी से रिलेटेड है। और आरपीएससी में आपसे अभी एक एग्जाम हुआ था आपके पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ये जो वैकेंसी थी ये 2019 की वैकेंसी थी, एग्जाम इसका 2020 हेल्ड हुआ था आपके, क्लियर। इसमें हम स्पेशली जो आज का जो सेशन होगा उसमें इंग्लिश सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे, वो टोटली आपसे क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस आपसे इसमें पूछे गए थे, जिनमें स्पेशली आपके ग्रामर, ठीक है, इसके अलावा आपसे ट्रांसलेशन और साथ ही साथ फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे गए थे, क्लियर। क्या अप्रोच होती है, किस तरह से हम कम टाइम के अंदर उन क्वेश्चंस को कर सकते थे और सारे के सारे सही कर सकते थे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन। और उससे पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, इंग्लिश बाई अर्जुन सर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको यहाँ प्रोवाइड करवाया जाएगा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन हम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी, आई होप आप बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं अर्जुन सिंह राठौड़ वेलकम करता हूँ आज की क्लास में आपका। फ्रेंड्स, आज जो है हम वो आरपीएससी से रिलेटेड एक एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुआ था जिसका नाम था पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 2019 एग्ज़ाम था ये, जो कि 2020 में हुआ था, ये वैकेंसी 2019 की थी, एग्ज़ाम 2020 में हुआ था। तो आज इसका मैं आपको इंग्लिश सेक्शन जो है इंडिविजुअल, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनकी अप्रोच आपको बताने वाला हूँ और उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन विद डिस्क्रिप्शन आपको देने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आपको यहाँ पर एक पेपर में ये आपसे पूछा गया था, 101 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे इंग्लिश के। फर्स्ट है आपके डायरेक्शन, समझिएगा अच्छे से, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज 101 एंड 102 यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। दैट्स मीन हियर इज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू टेंस टॉपिक। ओके, यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो टेंस से रिलेटेड आपके टॉपिक से पूछे गए हैं। अरे, ये बात आपको अच्छे समझ में, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन। 101 क्वेश्चन कह रहा है सी डिनर व्हेन द डोर बेल रैंग। अरे, ये बात समझ। अब यहां पर देखिए अप्रोच क्या है, एक कंजंक्शन के तौर पर या डब्ल्यू एच वर्ड आया है जो कि है व्हेन, ठीक है, उसके साथ वाला जो सेंटेंस है उसमें रिंग की सेकंड फॉर्म आ रही है। रिंग की कौन सी फॉर्म आ रही है, सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडिकेशन होता है, किससे रिलेटेड होता है, पास्ट इंडिकेशन। तो देखिए, जब कभी भी हमारे को किसी भी ऑप्शन के अंदर अगर नन ऑफ दीज नहीं दिया हो तो हमें एलिमिनेशन पावर हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यह है कि जब कंडीशन अगर पास्ट के अंदर दे दी तो इसका मतलब दूसरा सेंटेंस भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो हमारी अप्रोच ये कहती है कि प्रेजेंट वाले जो सेंटेंस है या जो ऑप्शन है उनको तो हम वैसे ही रोंग कर दे, तो फोर्थ ऑप्शन में इज लगा हुआ है जो कि प्रेजेंट में आता है, तो ये वैसे ही गलत हो चुका है। सिर्फ कुकिंग आ रहा है, सी के साथ कुछ है नहीं, कुकिंग अकेला कभी भी नहीं आता। कुकिंग आएगा इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन या विल हैव बीन या शैल हैव बीन के साथ। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल रॉन्ग होता है। फिर दो बचे हमारे पास, एक है वाज कुक्ड और एक है वाज कुकिंग। तो देखिए, वाज के साथ आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आती है अगर सेंटेंस किसी भी कंडीशन में पैसिव वॉइस में हो। यहां हमें पैसिव में पता नहीं लग रहा क्योंकि सेंटेंस में बाई नहीं दिया हुआ, तो इस कारण से हमारा जो ऑप्शन है वो होगा वॉज कुकिंग वाला। तो थर्ड ऑप्शन यहां पर राइट है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन भी हमारा यहां पर क्या होता है, रॉन्ग होता है। आई होप आपको समझ आ गई चुकी होगी चीज। इसे हम कहते हैं एलिमिनेशन पावर, की किस तरह से क्वेश्चन को एलिमिनेट किया जाता है, ऑप्शंस को एलिमिनेट हम किस तरह से करते हैं। तो राइट होगा सी वॉज कुकिंग डिनर व्हेन द डोरबेल रैंग, जब दरवाजे की घंटी बजी, ठीक है, तब वो क्या कर रही थी, खाना पका रही थी। अरे, ये बात समझ, डिनर कुक कर रही थी। ओके, फिर आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 102 में। 102 में देखिए, व्हेनेवर आई टू सी हिम ही इज आउट। अरे, ये बात समझ। अब ऐसी कंडीशन में देखो, पहले बात तो व्हेनेवर आया है,
अनादर सेंटेंस मतलब दूसरा जो सेंटेंस है उसमें इज आ रहा है, और इज आप अच्छे से जानते हो कब आता है, जब मामला प्रेजेंट का होता है। तो इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस है, यहाँ प्रेजेंट है, तो कंडीशनल सेंटेंस हमेशा अगर आपने टेंस अच्छे से पढ़ा होगा तो कंडीशनल सेंटेंस में अगर प्रेजेंट होता है तो उसका मामला या तो प्रेजेंट में ही रहेगा या फ्यूचर में जाएगा, पास्ट में कभी नहीं जाता। पहली बात तो ये, तो जो पास्ट वाले ऑप्शन है उन्हें हम हटा देते हैं। तो ए ऑप्शन में या फर्स्ट ऑप्शन में वाज आ रहा है जो कि पास्ट के अंदर आता है, तो ये रॉन्ग हो चुका है। थर्ड ऑप्शन में वेंट आ रहा है जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, गो वेंट, तो ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में आती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपके प्रेजेंट के दो ऑप्शन बचे, एक एम गोइंग जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है, और एक फोर्थ ऑप्शन है गो जो कि प्रेजेंट इंडेफिनेट होता है। तो ऐसी कंडीशन में मैं दोनों को लगाकर देख लेता हूँ। मैंने कहा व्हेनेवर आई एम गोइंग टू सी हिम ही इज आउट, जब कभी मैं उससे मिलने जा रहा हूँ वो बाहर है, ठीक है। और एक है व्हेनेवर आई गो टू सी हिम ही इज आउट, तो बोला क्या जाएगा कि जब कभी भी मैं उससे मिलने जाता हूँ, ठीक है, तो वो हमेशा बाहर ही रहता है। तो ऐसी कंडीशन में करेक्ट ऑप्शन कॉन्टेक्चुअली सेंस के अकॉर्डिंग आपके कौन सा बन रहा है, फोर्थ, तो आपका आंसर फोर्थ होगा, और सेकंड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है, आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। इन्हें कहते हैं हम एलिमिनेशन पावर के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करना। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 103 एंड 104, इसका डायरेक्शन पढ़ लीजिए। From the given options, choose the correct determiner to complete the following sentences. अब देखिए जहाँ कहीं भी determiner आ जाता है वहाँ हमेशा ध्यान रखना दो टॉपिक डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है आपसे आर्टिकल्स और एक पूछा जाता है एडजेक्टिव। आर्टिकल्स आप अच्छे से जानते हो, ए एन द होते हैं आपके, एडजेक्टिव बहुत सारे होते हैं, इनकी नॉलेज होना जरूरी है तभी आप क्वेश्चन को राइट कर सकते हैं, अदरवाइज रॉन्ग होने के चांसेज रहते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन देखना। Don't forget to turn off light when you go out. भाई जब कभी भी तुम बाहर जाओ तो लाइट बंद करना मत भूलो। तो अगर मान लीजिए आप कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ लाइटें बंद करते हो क्या? नहीं, कोई एक इंडिविजुअल लाइट की बात होगी, तो ऐसी कंडीशन में सम यहां पर नहीं आ सकता। आ रही है बात समझ? बोथ तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि बोथ की पोजीशन नहीं बन रही, क्योंकि बोथ को अगर आप ये भी मान लो कि चलो सर मान लेते हैं हम दो लाइट हो सकती है, तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ कि जब कभी भी बोथ आता है तो उसके साथ प्लूरल नाउन आता है, जबकि यहाँ लाइट्स है ही नहीं, तो वैसे भी ये रॉन्ग हो जाता है। फिर बचा द और ए, आपके सामने ऑप्शन में दो बच रहे हैं। अगर आप करते हो कि डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ ए लाइट, तो एक लाइट, भैया लाइट को आप गिन सकते हो क्या? पहले तो ये बताओ, तो काउंटेबल है नहीं, तो ये भी वैसे क्या हो गया, रॉन्ग। अब इंडिविजुअल लाइट की तो बात होती है ना, कभी भी आप कमरे से बाहर जाते हो तो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं, इस लाइट को बंद करके जाएगा जब भी तू बाहर जाए, तो कोई इंडिविजुअल लाइट की बात हो रही है। और जहां कहीं भी चीज इंडिविजुअल डेफिनेट होती है तो हम आर्टिकल हमेशा किसका यूज करते हैं, द का। इस अकॉर्डिंग आपके ऑप्शन नंबर वन क्या होता है, बिल्कुल राइट होता है। तो राइट होगा डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द लाइट व्हेन यू गो आउट। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। फिर आ जाते हैं 104 समझिएगा। कैन यू लेंड मी मनी, देखो क्वेश्चन मार्क लग रहा है। अब देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, कैन यू लेंड मी मनी, मनी कैसा नाउन है भाई, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। जबकि अगर मैं बात करूं तो एफ यू, फ्यू और द फ्यू का यूज काउंटेबल के लिए होता है, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि अनकाउंटेबल के साथ काउंटेबल एडजेक्टिव नहीं आ सकता। तो आएगा क्या, इन तीनों में से कोई आएगा। अब अगर मान लीजिए मैं कहता हूं तो कैन यू लेंड मी मनी, तो द मनी वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि इंडिविजुअल मनी की बात नहीं हो रही। भाई आप मेरे से पैसा उधार मांगोगे तो ऐसे थोड़े ना बोलोगे कि मुझे वही पैसा चाहिए, तो इंडिविजुअल है नहीं, कोई डेफिनेट नहीं है, तो द भी हट चुका है। अब सम भी आ सकता है तो लिटिल भी आ सकता है, क्योंकि देखो मनी अनकाउंटेबल है तो मनी के साथ दोनों लग सकते हैं, सम और लिटिल दोनों अपनी पोजिशन क्या मानकर चलते हैं, राइट लग सकते रखते हैं, ठीक है, क्योंकि अनकाउंटेबल के लिए ही ये दोनों यूज किए जा सकते हैं। तो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बात करूँ तो देखिए आइडेंटिफाई कैसे करोगे दोनों को, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अब नॉलेज क्या कहती है, उस चीज़ को हम अच्छे से समझते हैं। आपने अगर कभी पढ़ा हो सम के बारे में तो हमेशा ध्यान रखो, कभी भी जो क्वेश्चन में सम और एनी की जो पोजीशन बनती है, पहली चीज़ अच्छे से सुनना, तो एनी जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में होता है जबकि सम पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। हम सम का यूज इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं, अब सुनना मेरी वर्डिंग को, कि हम सम का यूज इंटेरोगेटिव में भी कर सकते हैं जब कभी रिक्वेस्ट का सेंस हो। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का ही सेंस है, अगर आप मुझसे पैसा मांगोगे उधार, लैंड यानी होता है उधार पैसा मांगना,
तो उधार मांगोगे तो रिक्वेस्ट ही तो करोगे ना, मेरे पे ऑर्डर तोड़े ना कर सकते हो कि मुझे उधार पैसा दे, आप रिक्वेस्ट करोगे क्या यार कुछ पैसा उधार दे सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ रिक्वेस्ट का सेंस आ जाता है और इंटेरोगेटिव होता है, वहां पर सम का यूज करेंगे और लिटिल का यूज यार नहीं होगा। हेंस ऑप्शन नंबर थर्ड इज हियर राइट। बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है, वेरी गुड। चलिए आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है 105 आपसे यहाँ पूछा गया है, पिक आउट द करेक्ट ट्रांसलेशन, हिंदी में आपसे ट्रांसलेशन पूछा गया है सेंटेंस का। ऑप्शंस आपके सामने, वाटर कंजर्वेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी, ठीक है, वाटर कंजर्वेशन जो है वो नेशनल पॉलिसी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसे क्वेश्चंस जब करो तो ऑप्शंस को एलिमिनेट आपको करना आना चाहिए। तो ऑप्शंस कैसे एलिमिनेट करेंगे, देखिए एलिमिनेट का मतलब होता है ऑप्शंस को हटाना आना चाहिए कि ऑप्शंस किस तरह से हम हटा सके, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अगर मैं आपसे डिस्कस करूँ तो सबसे पहले आपको वाटर कंजर्वेशन का मीन पता होगा तो आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकोगे। तो वाटर कंजर्वेशन यानी होता है जल संरक्षण, क्या होता है जल संरक्षण, अगर ये मीन पता है तो आप देख लो जिन ऑप्शंस में जल संरक्षण नहीं है उनको वैसे ही हटा दो। फर्स्ट ऑप्शन में जल संरक्षण नहीं है तो ये हट जाएगा, सेकंड में जल संरक्षण नहीं है तो ये भी हट जाएगा, और थर्ड में भी जल संरक्षण नहीं है तो ये भी हट जाएगा। तो बचाइए एक ऑप्शन और वो कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। तो आपके थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट, क्योंकि यहाँ पर जल संरक्षण दिया हुआ है। तो पहला तरीका तो ये होता है कि आपको इस तरह से पता लग जाए। अगर मान लो नहीं पता आपको तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप दूसरे से देखो, जैसे नेशनल पॉलिसी है। अब नेशनल पॉलिसी का मतलब ही क्या होता है, राष्ट्रीय नीति। अब जिसमें राष्ट्रीय नीति नहीं है उसको हटा दो तो राजकीय नीति यहाँ लिखा हुआ है तो ये वैसे हट जाएगा। तो फिर तीन बच गए आपके पास। फिर आप देखो इंपॉर्टेंट पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट को बोला जाता है महत्वपूर्ण अंग। अब जिसमें महत्वपूर्ण अंग नहीं है वो हटा दो तो अभिनंग वाला वैसे हट गया। तो मतलब कुल मिलाकर कैसे भी देखोगे आप इसको तो ऑप्शन आपके थर्ड ही निकल कर आएगा। दैट्स मीन वाटर कंजर्वेशन इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेशनल पॉलिसी, इसका हिंदी मीन होगा जल संरक्षण राष्ट्रीय नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। तो बताइए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, आप ये बोलना चाहोगे सर पार्ट का मतलब तो भाग भी होता है, तो ऑप्शन से आपको किसी भाग में नहीं है, हर जगह पार्ट को अंग के तौर पे इंडिकेशन दिया हुआ है, तो राइट आपके थर्ड ऑप्शन होगा। तो बताइए कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो इस तरह से आप ट्रांसलेशन वाले क्वेश्चंस को कर सकते हो। फिर आ जाते हैं 106 पे। देखिए मैंने कहा क्लाइमेट चेंज इज ए सीरियस चैलेंज टू ह्यूमन वेल बीइंग, क्लियर। अब ऐसी कंडीशन के अंदर हम वही चीज आप नोटिस करो। सबसे पहला, क्लाइमेट चेंज को हम क्या कहते हैं, तो क्लाइमेट चेंज को हम कहते हैं जलवायु परिवर्तन। अब जिसमें जलवायु परिवर्तन नहीं है उसको हटा दो। अब यहां पर देखो जलवायु प्रदूषण है ना, तो हम ऑप्शन नंबर फोर्थ को एलिमिनेट कर देंगे, इसको हटा देंगे, तो हमारे सामने तीन ऑप्शन बच गए। फिर हम ये देखेंगे ए सीरियस चैलेंज को क्या कहा जाता है, तो सीरियस को हिंदी में कहते हैं गंभीर और चैलेंज को कहते हैं चुनौती। तो आप अच्छे से जानते हो गंभीर चुनौती जिसमें नहीं है उसको हटा दो, तो यहाँ पर विषम समस्या है तो ये हट जाएगा हमारे सामने से, ठीक है। यहाँ गंभीर समस्या है तो ये भी हट जाएगा, ठीक है। अगर समस्या होती तो प्रॉब्लम होता, चैलेंज चुनौती है तो गंभीर चुनौती एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है और वो ऑप्शन है हमारा थर्ड नंबर का। इस प्रकार हमारा थर्ड राइट होता है। ये होता है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका। तो राइट होगा यहाँ पर कि जलवायु परिवर्तन मानव कल्याण के लिए गंभीर चुनौती है, और ह्यूमन यानी मानव होता है, और वेलबींग मतलब होता है कल्याण, किसी का प्रॉफिट करना, किसी को प्रॉस्पेरस कंडीशन में लाने को क्या बोला जाता है, वेलबींग। तो आपका यहां पर ऑप्शन नंबर थर्ड राइट होगा। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। 107 क्वेश्चन भी वही कहता है हमारे को अच्छे से समझना, आई वॉन्ट टू नो वाई आई हैव बीन नेग्लेक्टेड, ठीक है। अब इसमें देखो कौन सा ऐसा वर्ड है जो सभी बच्चों को नहीं पता होगा, कुछ एकाध को होगा, तो वो वर्ड आ जाता है हमारा नेगलेट। अब नेगलेट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नेगलेट क्या होता है। तो सबसे पहली चीज कि नेगलेट अपमान तो कभी होता ही नहीं है, ठीक है। नेगलेट होता है किसी की उपेक्षा करना, किसी को नजरअंदाज करने को बोला जाता है, तो अपमान तो वैसे ही नहीं होगा, तो नेगलेट के अंदर से ये हट जाएगा ऑप्शन। फिर उसके बाद मैं जानना चाहता हूं कि मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया, तो देखो नेगलेक्ट का मतलब ध्यान नहीं होता, लेकिन ध्यान के साथ यहां पर एक नहीं भी दिया हुआ है, तो एंटोनिम के तौर पर नेगलेक्ट का मीन हो सकता है। अभी आंसर नहीं बता रहा, इसलिए हम फोर्थ ऑप्शन को राइट नहीं कर सकते, लेकिन नेगलेक्ट को तिरस्कार नहीं कहा जाता कभी भी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। अब हमारे सामने दो ऑप्शन आ गए, ठीक है। एक है मैं जानना चाहता हूं कि मेरी उपेक्षा क्यों की गई, और मैं जानना चाहता हूं कि मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। तो देखो I want to know, इसको हम हिंदी में कहते हैं मैं जानना चाहता हूँ, दोनों जगह क्या है, बिल्कुल सेम है।
Why I have been neglected? मुझ पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ठीक है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो दोनों ऑप्शन अपने आप में सटीक बैठ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल के अंदर जो नेगलेक्ट का मीन होगा वो होगा मेरी उपेक्षा क्यों की गई है। यार ये बात समझ में, नेगेटिव फॉर्म किसी भी तरह से याद दिया नहीं है सबसे पहली चीज। दूसरा, वैसे भी चेक कर सकते हो, कहीं भी नॉट नहीं लगाया गया, तो ऐसी कंडीशन के अंदर नॉट की पोजिशन नहीं वाली यहां पर बन नहीं रही, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन नंबर थर्ड आपके राइट होगा, तो इसका मतलब यहां पर थर्ड ऑप्शन को हम राइट करेंगे। तो ये होता है एलिमिनेशन से हमने दो ऑप्शन हटा दिए, फिर जो दो बचे उनमें थोड़ा सा दिमाग लगा के हमने क्वेश्चन नंबर 107 को राइट कर लिया। फिर आ जाते हैं हम 108 पे। 108 अच्छे से देखिएगा, मैंने कहा ट्रैवलिंग इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मींस ऑफ एजुकेशन। तो देखिए, ट्रैवलिंग आप अच्छे से जानते हो कि ट्रैवलिंग का क्या मतलब होता है, तो हम इनमें से वो ही चीज उठाएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको कहा द मोस्ट इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ एजुकेशन, देखो ट्रैवलिंग यात्रा ही होती है, अब मोस्ट इंटरेस्टिंग को हम क्या कहेंगे? तो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज आनंदमय नहीं होती, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज मोहक नहीं होती, मोस्ट इंटरेस्टिंग को हम क्या कहते हैं? रोचक कहते हैं। क्या कहते हैं? रोचक। आ रही है बात समझ में? तो अगर एक तो मैं कहूं यात्रा शिक्षा का सबसे रोचक साधन है, और यात्रा शिक्षा का एक रोचक साधन है, तो देखो मोस्ट जब कभी भी आता है तो बहुत सो में से एक चीज निकालता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? मैं यही तो कहूंगा ना अमिताभ बच्चन सबसे शानदार एक्टर है, तो मैं यही तो कहूंगा ना अमिताभ बच्चन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एक्टर। तो मोस्ट का मतलब हिंदी में क्या निकलता है? सबसे। तो इस अकॉर्डिंग यात्रा शिक्षा का सबसे रोचक साधन है, ये ऑप्शन हमारा राइट होगा, फर्स्ट ऑप्शन। और सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हमारे बिल्कुल क्या होंगे? रॉन्ग होंगे। अरे ये बात समझ, क्योंकि यहाँ एक वर्ड आने से आपके गलत हो चुका है मामला। तो बताइए कोई दिक्कत? तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ रॉन्ग हो चुका है और फर्स्ट हमारा राइट हो चुका है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 109। देखिए 109 का डायरेक्शन ये कहता है, 109 और 110 के दोनों के डायरेक्शन को अच्छे से पढ़िए। चूज फॉर्म फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। ठीक है, अब यहाँ पर किसी तरह से टॉपिक का नाम नहीं लिया गया, लेकिन अगर हम ऑप्शंस देखें तो एक है मेड आउट, मेड ऑफ, मेड अप, मेड ओवर, गेव अप, गेव इन टू, गेव ओवर, गेव इन, ये सब फ्रेजल वर्ब है। क्या है ये सब? फ्रेजल वर्ब जो अपना सेंस देता है। तो मैंने कहा ही ब्रॉक इन टू द हाउस एंड विद ऑल द सिल्वर। ब्रॉक इन टू मतलब होता है चोरी छिपे घुसना किसी मकान के अंदर, ठीक है, या मकान का ताला तोड़ के अंदर चोरी के पर्पज से घुसना। तो वो मकान का ताला तोड़ के अंदर घुसा है, मकान में चोरी के पर्पज से घुसा और सारा का सारा सिल्वर, सिल्वर मतलब होता है चांदी, लेकर चंपत हो गया, उड़ गया। तो ऐसी कंडीशन में फ्रेजल वर्ब, अब इसमें देखिए कोई ट्रिक काम नहीं करेगी आपको। मेड देखिए एक्चुअली क्या है, पास्ट फॉर्म में जा रहा है क्योंकि यहाँ ब्रोक आ चुका है, इसलिए एक्चुअल के अंदर फ्रेजल वर्ब जब बनती है फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बनती है। जैसे मेड की फर्स्ट फॉर्म होगी मेक, तो यहाँ राइट होगा मेक आउट, मेक ओवर, मेक ऑफ, मेक अप। तो आपको ये पता होने चाहिए कि इनका एक्चुअल में क्या क्या मीन होगा, हर फ्रेजल वर्ब का अलग मीन होता है। तो आपको अगर पता नहीं है तो आप ये सेंटेंस गलत करोगे, अगर पता है तो आपने अच्छे से सुना होगा मेक ऑफ होता है, क्या होता है? मेक ऑफ। और मेक ऑफ का मतलब होता है चुपके से भाग जाना, है चंपत हो जाना, दैट्स मीन लीव हरिडली especially in order to avoid duty or punishment। जैसे कभी कभी होता है ना एयरपोर्ट पे कोई बंदा अगर सोने की कस्टम ड्यूटी ही नहीं दिया और भाग रहा है, तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा? मेक ऑफ। और अगर चोरी करके भी भागता है किसी भी कंडीशन में तो मेक ऑफ होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। बाकी आपके मेकअप, मेक ओवर और मेक आउट, मेक आउट मतलब होता है किसी भी चीज को समझ जाना, ठीक है, टू अंडरस्टैंड एनीथिंग वेल इनफ टू हियर व्हाट इट मींस। अरे ये बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से मेकअप आप जानते ही हो, रीस्टैब्लिश फ्रेंडशिप होती है आपके, फ्रेंडशिप रीस्टैब्लिश मगरना, कंपनसेट के तौर पर, तो बहुत से मतलब होते हैं। इसके लिए आप मेरी फ्रेजल वर्ब स्पेशल क्लासेज जो है वो आप देख सकते हो अच्छे खासे तरीके से। तो मेक ऑफ यहाँ समझ आ चुका है। फिर देखिए, माई ब्रदर स्मोकिंग लास्ट ईयर, मेरे भाई ने लास्ट ईयर स्मोकिंग छोड़ दी। अब छोड़ देने को क्या कहते हैं? तो छोड़ देने को कहा जाता है गिव अप। क्या बोला जाता है? गिव अप। सीज मेकिंग एन एफर्ट, ठीक है, एफर्ट्स जो आप कर रहे हो उसको सीज कर दो, रोक दो, ठीक है, या नॉर्मली छोड़ देना, जैसे हम कहते हैं ना नेवर गिव अप। तो नेवर गिव अप का मतलब क्या होता है? हिम्मत मत हारो, ठीक है, जो आप हिम्मत हारना छोड़ रहे हो वो मत करो। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन वन राइट हो जाएगा, माई ब्रदर गेव अप स्मोकिंग लास्ट ईयर, मेरे भाई ने लास्ट ईयर ही स्मोकिंग या सिगरेट पीना छोड़।
छोड़ दिया, तो आई होप आपको समझ आ चुका है। चलिए फिर देखते हैं, देखिए इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस तो यही थे जो आपके 101 से 110 तक, मतलब 10 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। लेकिन हिंदी में भी आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे हिंदी में आपसे? दो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, लेकिन उनका थोड़ा ना थोड़ा कहीं इंग्लिश से रिलेशन है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे देखो हिंदी में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तुष्टिकरण के लिए अंग्रेजी शब्द है, तो इंग्लिश में क्या वर्ड है तुष्टिकरण के लिए? तो तुष्टिकरण को इंग्लिश में बोला जाता है अपीजमेंट। क्या बोला जाता है? अपीजमेंट। तो अपीजमेंट क्या होता है तो अच्छे से समझना, अपीजमेंट इन एन इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट इज ए डिप्लोमेटिक पॉलिसी ऑफ मेकिंग पॉलिटिकल और मटेरियल कंसेशंस टू एन एग्रेसिव पावर इन ऑर्डर टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इसका हिंदी में मीन दिया है कि अपेजमेंट तुष्टिकरण क्या होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में तुष्टिकरण एक राजनीतिक नीति होती है जो संघर्ष से बचने के लिए एक आक्रामक शक्ति को राजनीतिक या भौतिक रियायतें देता है। इसे ही क्या कहा जाता है? आपके तुष्टिकरण, और जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? अपेजमेंट कहते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत इसके अंदर आपको नहीं है? वेरी गुड। फिर आते हैं 118। इनमें से किस विकल्प में वाक्य या वाक्यांश, सेंटेंस और फ्रेज का अंग्रेजी अनुवाद सही है? तो मैं आपको बता देता हूं, इसके अंदर जो है आपके नंबर फोर्थ राइट होगा, आवश्यक कार्यवाही कर अनुग्रहित करे। तो इसका मतलब होगा डू द नीडफुल एंड ऑब्लाइज। ऑब्लाइज मतलब होता है अनुग्रहित करना। तो आई होप आपको पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ था उसकी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से तरीके से समझ आ चुकी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इंग्लिश बाय अर्जुन सर, उस पर आप जुड़िएगा। थैंक यू सो मच गाइज एंड हैव ए नाइस डे।